तो कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैमिली लॉ के लैंडमार्क केस सुरेश्ता देवी वर्सेस ओम प्रकाश के बारे में, जो मुख्य रूप से डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में बेस्ड है, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B से रिलेटेड है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस के फैक्ट ये हैं कि इस केस में हस्बैंड और वाइफ दोनों म्यूचुअल कंसेंट के साथ डाइवोर्स पटिशन फाइल करते हैं, लेकिन डाइवोर्स पटिशन फाइल करने के कुछ महीनों बाद वाइफ जो है अपना कंसेंट वापस ले लेती है और बोलती है कि हमको डाइवोर्स नहीं चाहिए, लेकिन हस्बैंड बोलता है कि नहीं, हमको तो डाइवोर्स चाहिए। तो मामला यहीं फंस जाता है कि क्या म्यूचुअल कंसेंट देने के बाद भी अगर दोनों में से कोई एक अपना कंसेंट विड्रॉ कर ले तो डाइवोर्स ग्रांट होगा या नहीं। जब मामला कोर्ट जाता है तो कोर्ट में वाइफ कहती है कि जब वो अपना म्यूचुअल कंसेंट दे रही थी उस वक्त हस्बैंड ने उस पर प्रेशर बनाया था, जिसकी वजह से उसने अपना कंसेंट दिया था, लेकिन बाद में वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर लेती है। कोर्ट का कहना रहता है कि कोर्ट ने म्यूचुअल कंसेंट के बारे में सोचने के लिए 6 से 18 महीने का वक्त दिया था कि आप फिर से एक बार विचार कर लीजिए, लेकिन अगर इस बीच में कोई भी अपना कंसेंट विड्रॉ कर लेता है तो हम डाइवोर्स पिटीशन जो है डिसमिस कर देंगे। तो फाइनली कोर्ट जो है प्रेजेंट केस में डाइवोर्स पिटीशन को डिसमिस कर देती है, यानी कि वाइफ के कंटेंशन को एक्सेप्ट कर लेती है। तो इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट यही है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस केस का PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। थैंक यू सो मच।